पतंजलि योगपीठ के आचार्य बाल कृष्ण का जन्म दिवस 4 अगस्त को जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पतंजलि योग समिति द्वारा देश भर में मनाए जा रहे जड़ी बूटी सप्ताह के उपलक्ष्य में आज एलनाबाद इकाई की ओर से गिलोय वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कोरोना महामारी के दौरान अपने जीवन की परवाह किए बिना निरंतर सेवाएं देने वाले सभी कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया गया। वहीं सफाई कर्मचारियों व टीम मिशन ग्रीन के सदस्यों को योग साधकों द्वारा घर बनाए हुए स्वदेशी रक्षा कवच बांधकर सम्मानित किया गया। सभी कोरोना योद्धाओं ने पतंजलि योग परिवार का आभार व्यक्त किया। मुख्य योग शिक्षक तहसील प्रभारी हेमराज सपा ने बताया कि गिलोय हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह अनेक तरह के बुखार में फायदेमंद होता है। वहीं कोलेस्ट्रॉल व शुगर को भी नियंत्रित करता है। महिला तहसील प्रभारी मंजू धानुका ने सभी लोगों को गिलोय का उपयोग करने के लिए प्रेरित करते हुए पत्रकों का वितरण किया। टीम मिशन ग्रीन के सदस्य रामावतार पारिक व सुहास प्रेमी ने पतंजलि परिवार द्वारा किए जा रहे कार्यों को अत्यंत सराहनीय बताया। इस अवसर पर संगठन मंत्री डॉ. राजगोपाल बेनीवाल, मीडिया प्रभारी नवशेर सिंह, श्रवण बंसल, जसविंदर सिंह, दीपक जिंदल, भीम कांसरिया, नवजीत इंसा, महेश मित्तल, श्याम लाल, नारायण सिंह, राजेश लूणा, संरक्षक नीरज कटारिया, ग्रामीण प्रभारी छिंद्रपाल कौर, योग शिक्षिका सरोज सपरा, महामंत्री गीता बेनीवाल, नंदिता कटारिया, मोनिका गर्ग, मीनाक्षी, शारदा बंसल, ममता भारद्वाज, सरिता बंसल, ममता मित्तल सहित अन्य कई योग साधक भी उपस्थित थे। आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।